बंधी दो। ये पुराने कपड़ों की अलमारी में क्या कर रही है तू? आई वो भास्कर की शर्ट जल गई और उन्हें मीटिंग में कुछ पहन कर जाना है तो बस वही फॉर्मल शर्ट ढूंढ रही हूँ। पर भास्कर तो सफेद शर्ट पहन के जाना चाहता था ना मीटिंग में। हाँ आई, पर अब सफेद शर्ट तो मिल नहीं रही है। ये भी अच्छी है। अच्छी बुरी का सवाल नहीं है, सवाल भास्कर की पसंद का है। देखो मैं उसे बचपन से जानती हूँ, अगर वो सफेद पहनना चाहता है तो दूसरा कोई रंग नहीं पहनेगा। और आई मुझे पूरा विश्वास है ये जरूर पहनेंगे। Okay. देखा कितनी अच्छी लग रही है शर्ट, वो व्हाइट शर्ट से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं आप इसमें। अच्छा तो अब मैं तुम्हें अच्छा लगने लगा हूँ, पहले नहीं अच्छा लगता था ना, इसीलिए तुम हमेशा मुझसे दूर दूर भागती थी ना। मेरा मतलब वो नहीं था भास्कर, मैं तो बस चलो अब जल्दी से मेरा मुंह मिटा करो, फिर मुझे ऑफिस के लिए निकलना। आप छोड़िए, मैं दही शक्कर लेकर आती हूँ। वैसे नहीं, दूसरे तरीके से। आज तो मैं तुम्हें बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ ना, आज तो तुम मेरा मुंह मीठा कर सकती हो। आई क्या हुआ? नहीं वो तुम्हारी शर्ट जल गई थी ना तो मैं दूसरी शर्ट लाई थी। अरे आई तू भी, तू क्यों परेशान होती है? देखना तेरी बहू ने सारा मामला फिट कर दिया, पता नहीं ये कहाँ से ये शर्ट निकाल दी और मुझे पहना दी। वैसे अवनी कह रही है कि मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ इस शर्ट। आभा आ गई तू? मनोहर अदिति कहाँ? अंदर है। अरे ताई तूने बुलाया और हम लोग आ गए। मैं तुम लोगों के लिए समोसे लेकर आई हूं, इसीलिए मुझे इसकी खुशबू अंदर तक आ रही थी। मनु ताकली तरीके से देगा। आई रहने देना, मैं लेती हूँ। ओह गॉड, कार्तिक जीजू ताई घर पे पहुंचे भी नहीं और जीजू का फोन। जरूर ये पूछने के लिए फोन आया होगा कि तू घर पे सही सलामत पहुंची है कि नहीं। अरे ले मारूंगी तुझे। हेलो हाँ मैं घर पे पहुंच गई। दीदी देखा था, जितनी अच्छी हमारी आभा है ना उससे कहीं ज्यादा अच्छा अपना कार्तिक है। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। आई अवनी ताई कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, कैसे मनु? घर पे सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। और खुशखबरी ये है कि भास्कर को प्रमोशन मिल गया। कांग्रेट्स। अरे वाह, बप्पा की बहुत बड़ी कृपा है। तू ये बता तेरी ललिता पवार कैसी है? अच्छा ये बता उसको नई शिकायत क्या हुई तुझसे? नहीं अभी कोई शिकायत नहीं है मामा, बल्कि वो तो बहुत बदल गई है, यहाँ तक कि मुझे घर की सारी चाबियां देकर जिम्मेदारी भी सौंप दी। बहुत अच्छी बात है। देख अवनी इतनी उम्मीदें लगाई हैं उन्होंने, सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाना। हाँ और कल रक्षाबंधन है, वक्त पे आना। आ जाऊंगी, मैं भास्कर के साथ ही आऊंगी। अभी तो यहाँ सामान खरीदने आई थी तो सोचा सबसे मिल लेती हूँ। अरे तूने बहुत अच्छा किया, इस बहाने तेरा हंसता मुस्कुराता चेहरा तो देख लिया। तू खुश रहे हमें और क्या चाहिए। सच राजा राम, बस मेरे बच्चों की जिंदगी में खुशियां ऐसी ही बनी रहे। समोसा छोड़ और मेरे गिफ्ट के बारे में सोच। कल रक्षाबंधन है ना, मुझे गिफ्ट क्या देगा? ताई पूछना ही से, गिफ्ट क्या देगा हमें?